नमस्कार, आप लोगों का फिर से आप लोगों के ही चैनल में स्वागत है। सबसे पहले ये पूजा करते हुए माँ को देखिए और स्तोत्र सुनिए और हर हर महादेव की बोलिए। ये शिव जी हैं, महिपालपुर वाले शिव जी हैं, जो बहुत ही हाइट है उनका। तो हम लोग वहाँ आ जाते हैं जब शिव जी की कृपा होती है हम लोगों पे तो दर्शन करने, और वहीं ये शिवलिंग भी हैं। तो पूरे वीडियो में आप लोग बने रहिए और हर हर महादेव एक बार सभी को बोलिए। और ये हम लोगों के घर से बिल्कुल पास है, मेरे पहले वाले घर से तो और पास था, पर अब थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया है, करीब 20 किलो के आसपास, मीटर के आसपास है। तो हम ये और माँ चली थी तो गए थे दर्शन करने। यहाँ पर सामने शिव जी की बड़ी मूर्ति और दोनों साइड एक तरफ राम कृष्ण सीता है, राम सीता है, और दूसरे तरफ राधा कृष्ण है। और काफ़ी हाइट पे ये शिव जी हैं जो देख रहे हैं, और उनके एक साइड में बसा है नंदी है और दूसरे साइड में है कार्तिक गणेश पति के साथ गौरी जी तो विराजमान है। बहुत ही मनोरम जगह है ये, तो ज़रूर अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो आइए। महिपालपुर में है शिव जी, मंगल महादेव इनका नाम है, तो आप लोग अगर आते हैं तो ज़रूर दर्शन करने आइए। ये हम लोग आए हुए हैं तो ये शिव जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ सब व्यवस्था है, फूल प्रसाद सब कुछ मिल जाता है, पूजा करने के लिए लोटा पड़े रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ इजीली अवेलेबल है। देखिए काफ़ी हाइट के हैं ये महादेव, हमें नहीं पता कि कितनी हाइट इनकी होगी, पर बहुत ही ज़्यादा हाइट है इनकी। और ये दोनों साइड राधा कृष्ण है इस तरफ और दूसरे साइड सीताराम है, और ऊपर से हर एक मिनट पे एरोप्लेन जाता रहता है और नीला नीला आकाश दिखता है, तो बहुत ही अच्छा जगह है। तो दिल्ली वाले से ज़रूर मैं आग्रह करूँगी कि वो लोग ये दर्शन करने आए, और कौन कौन गए हैं ये शिव जी का दर्शन किए हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग। हम तो आए हैं, आप लोगों में से कौन कौन आया है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये महिपालपुर के मंगल महादेव हैं। बस की भी काफ़ी अच्छी सुविधा है, आप यहाँ बस से भी आ सकते हैं। ये शिवलिंग हैं जिनका हम दर्शन करते हैं, उस शिव जी का तो दर्शन ही हम कर सकते हैं उनकी प्रतिमा का, पर पूजा के लिए यहाँ जल फूल प्रसाद पैसा आप जो भी मर्जी चढ़ा सकते हैं। हम लोग शिव जी की लिंग पर पूजा करने के बाद शिव जी का दर्शन करने जाते हैं, पर अभी इतनी तेज़ धूप थी कि हमारा चलना मुश्किल हो गया था, पाँव जल रहा था। ये शिव जी की कृपा से हम लोग दर्शन कर पाए। ये राम जानकी हैं एक साइड में, और ये हम हाइट पर आ चुके हैं जहाँ शिव की इतनी बड़ी प्रतिमा लगी है। ये गौरी जी के साथ कार्तिक गणेश थे, एक तरफ नंदी थे, जब देखे होंगे आप लोग। ये हम लोग दर्शन करने आए हैं, ये राम जानकी हैं एक साइड और दूसरे साइड राधा कृष्ण हैं, वो तो मैं दिखा ही हूँ। यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग पूजा किए बहुत अच्छे से, माँ तो बहुत अच्छे से करती हैं। यहाँ सब पूजा कर रहे हैं, यही शिवलिंग पर करते हैं पूजा। दो शिवलिंग हैं, एक स्टार्टिंग में भी हैं एक ये भी हैं, तो हम लोग यहाँ आके कर लेते हैं। फिर शिव जी का दर्शन देखिए यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है। तो कौन कौन आए हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। माँ कर ली पूजा, ये भी कर लिए कर रहे हैं, फिर मैं भी कर लूँगी, फिर ऊपर शिव जी और माँ पार्वती कार्तिक गणपत का दर्शन करने जाएंगे हम सब। अगर आप गर्मी में जा रहे हैं तो मैं बताऊंगी कि 8 बजे से पहले आप चले जाएं, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप हो जाती है तो पत्थर से पैर जलने लगता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ। जाड़े में जाते हैं तो कभी भी आप जा सकते हैं, बरसात के टाइम की तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से चारों बगल बहुत बड़ा ग्राउंड है, काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं जैसा कि आप अभी देखे हैं। तो इस तरह हम लोग दर्शन करने के बाद बैठे हैं 2 मिनट के लिए, बोलते हैं ना कि बिना मंदिर में बैठे फल नहीं मिलता, तो इसीलिए हम लोग बैठ गए हैं 2 मिनट के लिए। तो आप लोग भी अब थोड़ा दर्शन कीजिए सबों का। और ऊपर से प्लेन भी जा रहा, तो वो भी ये राम जानकी हैं, पीछे राधा कृष्ण थी। तो इस तरह से सबों को ये है चलता है, आप लोग भी
ज़रूर एक बार आइए अगर दिल्ली में हैं तो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो कौन कौन आए हुए हैं ज़रूर कमेंट कीजिए। ये राम जानकी हैं, ये भी प्रतिमा काफ़ी बड़ी है। ये जो चबूतरा जिस पे वो बने हुए हैं वो हमारे हाइट से करीब 1.5 फीट और ऊंचा है। इसके बाद यह ये राधा कृष्ण हैं, तो हम लोग बैठे हुए हैं, तो चलिए आप लोग दर्शन कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और जो सब नहीं गए हैं और दिल्ली में रह रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करूँगी कि एक बार ज़रूर दर्शन करने शिव जी का जाएं आप लोग। चारों बगल का दृश्य देखिए कितना अच्छा दृश्य है, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ बस की भी बहुत अच्छी सुविधा है, आप बस से भी आ सकते हैं कि जिस एरिया में रहते हैं वहाँ से महिपालपुर का बस पकड़ के आप आ सकते हैं। बहुत बड़े प्रसिद्ध महादेव हैं ये, मंगल महादेव के नाम से हैं ये। ये देखिए हर एक मिनट या उससे भी कम पे फ्लाइट आती जाती रहती है यहाँ। तो चारों बगल का दृश्य, अब हम लोग पूजा करके घर के लिए जा रहे हैं। गाड़ी वहीं पास में पार्क था तो वहाँ तक। तो एक बार फिर से आप लोग दर्शन कीजिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हर हर महादेव एक बार और बोलो।